क्या बेच रहे हो? चना बेचते हैं। चना बेचते हो? कैसे हाँ। बनाते हो आप ये चना? एक पत्ता 20 रुपया। एक पत्ता 20 रुपए का। तो किस तरीके से बनाते हो आप? वह नींबू मसाला मिर्चा प्याज डाल के बनाते हैं। नींबू मसाला मिर्चा प्याज सब डाल करके आप बनाते हो? इसको आपने भिगो के ऐसे रखा होगा तो ये ऐसे ऐसे बन गई है ना भाई। तो आपने अभी कच्चा वाला आप बनाना शुरू कर दिया? हाँ, कच्चा वाला बन। कच्चा पका दोनों बनाते हैं। कच्चा पका दोनों आप बनाते? दोनों का सेम प्राइस है? दोनों का ही सेम दाम है? हाँ, दोनों के खत्म। दोनों के एक ही? भुजा वाला 25 है, कच्चा वाला 20 है। धनिया? धनिया मतलब सब सारे मसालों को आप पीस करके? हाँ, एक मसाला आपने तैयार किया? तैयार कर लिया। अच्छा, और ये क्या डाला आपने? नींबू। नींबू डाला। तो इसकी रेसिपी आपने कैसे सीखी? मतलब खुद से ही आपने बनाना शुरू करा या पहले किसी को देखा? हम पहले का सीखा पुराना। पहले से आपने इसको, मतलब आपकी खुद की रेसिपी है? हाँ। ओके, तो ये एक प्लेट 20 कच्चे वाले चने, मसालेदार चटपटे खट्टे तीखे चटपटे। चलिए, एक हमको आप पके वाले भी बना दीजिए। उसकी भी सेम ही रेसिपी होती होगी, उसमें क्या क्या डालती हैं? उसमें क्या क्या डालती हैं? अच्छा, ये खाने के लिए आपने दिया है ऐसे? ओके, तो ये देखिए एक प्लेट यहाँ पर ये तैयार कर दिया आंटी ने। ये वाले चने आंटी बनाना शुरू कर दिया आंटी ने। ये भी आपने सुबह ही सुबह इसको तैयार करा होगा ये चने को? हाँ। इसमें आपने मिर्च डाली है और क्या क्या मसाले भी डाले हैं कुछ या फिर? हाँ, नहीं मसाला पड़ेगा इसमें? अच्छा, मसाला पड़ा है? पड़ा है लेकिन मसाला पड़ेगा। मसाला पड़ी, नींबू पड़ी, प्याज पड़ी, सब कुछ पड़ेगा। कहाँ से है, कहाँ की रहने वाली है? आजमगढ़ की। आजमगढ़ पे ये बहुत ही मशहूर है क्या यहाँ पे? वहाँ बहुत मशहूर है। वहीं का आजमगढ़ का चना आप यहाँ पे खिला रही हैं सबको? खिला। अच्छा, ये कौन से मसाले डाले आपने? क्या क्या? वही मसाला, वही मसाला है। फिर से बताइए इस मसाले में क्या क्या है? काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है। काली मिर्च, जीरा और धनिया। हाँ। और ये आपने नींबू का रस डाला? नींबू का रस। बड़ी मेहनती है आंटी आप। दिन भर? हाँ, दिन भर मेहनत लगती है आपको। धूप में आप इसको बेचते हो? कहाँ करी भाई। हाँ। बिना कैले कहाँ छुट्टी पा है, कैसा खर्चा पानी कैसे चलेगा? 2500 कमरा किराया दे रहा हूँ। अच्छा, क्या 2500 कमरा किराया आपको देना होता है कमरे का? मतलब आपके घर की जो कमाई होती है उसको आप निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं भाई, अब क्या करना है। तो ये पके चने भी यहाँ पे आंटी ने बना कर हमें दे दिए, खाते हैं हम इसको, फिर आपको बताते हैं कैसा है। चलो, तो आंटी से बहुत प्यार भरी बातें करने के बाद हमने ये ले लिया है इनका चना जोर गरम। इन्होंने ये पके वाले चने हमको दिए, पूरा चाट मसाला नींबू सब कुछ डाल करके, और इन्होंने ये कच्चे चने भी हमको दिए। अब बहुत ही ज़्यादा फेमस मशहूर चना जोर गरम, इन्होंने ये पके चने हमको दिए हैं जिसमें से इन्होंने ढेर सारे इन्होंने प्याज डाले हैं छोटे छोटे कट करके, मिर्च है इसमें। आंटी ने इसको चने को पहले से पकाया था, फिर ऊपर से इन्होंने अपने खुद के मसाले डाले हैं जिसमें इन्होंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, नमक है, गरम मसाला और भी बहुत सारे जो हमारे इंडियन स्पाइसेस होते हैं। आंटी ने मिक्सचर उसका पूरा तैयार करके इसमें डाला है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो चलिए अब इसको खाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। मतलब यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े शॉप दिख रहे हैं। यहाँ पे हजरतगंज की मार्केट में हम लोग हैं, एक से एक स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स यहाँ पर हम लोगों ने देखे, लेकिन आंटी के हाथ का जो जायका है वो तो कुछ अलग ही लेवल का है। तो चलिए अब इनका ये कच्चा चना भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसमें भी आंटी ने बहुत ही अच्छे से ये मिर्च दिख रही है, प्याज डाला हुआ है। ये अंकुरी चना बोलते हैं इसको, अंकुरी चना बोलते हैं। तो चलिए इसको भी खाते हैं, इसमें भी सेम मसाले यूज़ करें आंटी, इसको भी टेस्ट करते हैं। चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। लखनऊ आए और आंटी के हाथ के चने नहीं खाए तो क्या खाक लखनऊ आए? कितना चटपटा मसालेदार चना बनाया आंटी ने, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मसालेदार, मज़ेदार चना बनाया आंटी ने। दोनों ही चने आंटी के बहुत ही बढ़िया है। इतना पॉकेट फ्रेंडली नाश्ता आपको मिल सकता है कहीं और? क्योंकि आंटी, चलो एक बार साथ में खाते हैं। आप ये नहीं, आप ये वाला खाते हो? ये वाला खाते हैं। चीयर्स आंटी। आना है, मेरे चने खाना आना है और आंटी के चने खाना है। चलो,